माय नेम इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सैनी ऑफिशियल। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कॉम्बिनेशन प्लस सेंसिटिव स्किन का स्किन केयर आप लोग किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मेकअप रिमूवर से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेक्योरकी का मेकअप रिमूवर है, लिक्विड मेकअप रिमूवर। अच्छे तरीके से अपनी फिंगर टिप्स पर लेकर मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, ताकि आपका मेकअप जो है वो अच्छे तरीके से स्मज हो जाए और फिर इजीली रिमूव हो जाए। अच्छे तरीके से मसाज करेंगे स्पेशली आपके आई मेकअप एरिया पर और आपके लिप्स पर, ताकि जो भी अगर मैट लिपस्टिक है, अगर आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए, इंक्लूडिंग आपका मस्कारा और जितना भी आई मेकअप होता है। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का ये टॉल हैंकी है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिमूव करने के लिए। फेस को वॉश करने से पहले मैं रिमूव करना पसंद करती हूँ क्लॉथ की हेल्प से। तो यहाँ पर अब मैंने लिया है फेस वॉश, ये डर्म डॉग का फेस वॉश है जो कि फॉर्मिंग फेस वॉश है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने अपनी फिंगर टिप पर ले लिया है और अच्छे तरीके से अपने फेस पर पहले मसाज करूँगी नॉर्मली सर्कुलर मोशंस में कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा वेट कर लिया है, वेट करने के बाद भी मैं यहाँ पर मसाज करूँगी इसकी, ताकि अच्छे तरीके से जितना भी मेकअप रिमूवर के बाद भी जो भी रह जाता है फेस पर, जो भी रेस्ट आपका मेकअप रह जाता है, वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर अब अपना फेस वॉश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस कितना क्लीन और क्लियर लगता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अब मैं रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो यहाँ पर रोज़ वाटर। अच्छे तरीके से स्प्रे करूँगी मैं इसको अपने फेस पर, ये हो गया है। अब इसको थोड़ी सी देर छोड़ना है ताकि ये अपने आप ही सूख जाए, अपने आप ही ड्राई हो जाए, इसको अपने आप से नहीं करना ड्राई। यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, ये रस्टिक आर्ट का एलोवेरा जेल है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, मैं इसी का यूज़ करती हूँ नॉर्मली। अब इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पर मसाज करनी है इसकी। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो स्किन होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि हम लोग फेशियल्स के लिए या क्लीनअप्स के लिए नहीं जा पाते हैं बार बार, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए। आप बहुत सारे स्टेप्स जो हमारे क्रीम में इंक्लूड होते हैं वो आप कर सकते हैं, ताकि आपके जो स्किन है उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, आपका स्किन का टेक्स्चर इम्प्रूव हो और आपकी जो थकान है स्किन की वो हट जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ अपना, जो भी आप मसाज के स्टेप्स देख रहे हैं मेरे। सो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इनको करने के बाद, आपकी स्किन टाइटन होती है और जेल की मसाज तो आपकी स्किन पर ग्लो लाती ही लाती है। सो ये हो गया है और वॉश कर दूंगी मैं उसको। तो यहाँ पर आप स्किन में डिफरेंस देख सकते हैं सिर्फ जेल करने के बाद और फेस वॉश के बाद कितना फ़र्क आया। यहाँ पर मैं ले रही हूँ चारकोल फेस वॉश, ताकि जो हमने जेल किया था वो हमारा जो भी मॉइस्चर, जो भी ग्लो हमने लिया है अभी जो आया है वो हमारा लॉक हो जाए। तो पैक इसीलिए लगाना ज़रूरी होता है और आपके पोर्स को अच्छे तरीके से डीपली क्लिंस करने के लिए और उनको टाइटन करने के लिए। तो यहाँ पर चारकोल फेस पैक का यूज़ कर रही हूँ। सो इसको अच्छे तरीके से ब्रश की हेल्प से आप लगा लेंगे। यहाँ पर आप अगर चाहते हैं मुल्तानी मिट्टी का कोई पैक है आपके पास, आप वो भी लगा सकते हैं। चारकोल इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि ये अगर वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रह जाते हैं और आप लोग स्क्रब नहीं कर पाते हैं तो ये उनको भी रिमूव कर देता है। तो अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे इसको यहाँ पर, ये हो गया है। अब ये थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद आप इसे रिमूव कर सकते हैं। हल्का सा अपना जो है, जो भी आपका टिश्यू है या टॉल है उसको गीला कर लें, यानी कि वेट कर लें और अच्छे तरीके से इसको कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं आप। यहाँ पर ये जो मैंने हैंकी लिया हुआ था ये वेट था तो ईजिली रिमूव हो गया है। अब मैं एक बार अपना फेस वॉश कर लूँगी। यहाँ पर फेस वॉश कर लिया है मैंने। अब आप जो भी अपना स्किन केयर, यानी कि जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ सीरम, ये ऑयल कंट्रोल टी ट्री सीरम है गुड वाइब्स का, मैं इसी को अप्लाई करती हूँ और फिर मैं लिप्स पर मॉइस्चराइज़र या फिर लिप बाम लगा लेती हूँ ग्रीन टी, और उसके बाद मेरा जस्ट डन हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मैं अपनी स्किन को पूरा प्रॉपर रेस्ट देती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं आपको बाहर जाने तो आप मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं अपने फेस पर,
सो ये हो गया है मेरा स्किन केयर, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप्स में करने की कोशिश करती हूँ, प्लस आपकी स्किन को रिलीफ मिले ऐसा स्किन केयर मैं करना पसंद करती हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये स्किन केयर पसंद आया होगा, ये वही स्किन केयर है जो कि मैं पर्सनली यूज करती हूँ। सो अगर आप लोगों को ये स्किन केयर पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस जरूर करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।